हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। 100 सालों तक बुढ़ापा नहीं आने देगा, यह चीज लीवर, किडनी और आंतों की बीमारी को दूर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे वीडियो में चीज़ इस प्रकार से देख सकते हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। दोस्तों, ये खजूर है। जी हाँ, आपने ज़रूर अपने जीवन में खजूर बहुत ही खाए होंगे और खजूर स्वाद में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और ये जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही ज़्यादा ये पौष्टिक भी होते हैं। हमारे शरीर की कमजोरी को दूर करता है, शरीर में खून की कमी को दूर करता है। और अगर आप जो है प्रतिदिन खजूर खाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 100 सालों तक दोस्तों आप जवान रहेंगे, यंग रहेंगे, बुढ़ापा ये नहीं आने देता। और हाँ, आयुर्वेद की किताबों में यह भी लिखा गया है कि खजूर का प्रयोग अगर आप सही तरीके से करते हैं तो कमजोरी को दूर करता है, शुक्राणु को बढ़ाता है, हृदय रोग को दूर करता है, भूख की कमी को दूर करता है और आपके शरीर में हर प्रकार की इम्यूनिटी पावर को ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की जो है जैसे कि बीमारी वगैरह कभी भी नहीं होते। थोड़े थोड़े मौसम बदलने पर कई लोगों को बुखार होता है, सारी समस्याओं को देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखिए, खजूर के मैं आप लोगों को बहुत सारा फायदा बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर थोड़ी भी जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसे अंग्रेजी में विल्ड डेट के नाम से जानते हैं और कनाडा में इचलू बोलते हैं, उड़िया में खोरा जूरी के नाम से जानते हैं, तमिल में इंटा चेट के नाम से जानते हैं। हो सकता है अलग अलग जगहों में इसे दूसरे दूसरे नाम से जाना जाता हो। तो चलिए पूरे इसके विस्तार से मैं आप लोगों को फायदा बताता हूँ। तो दोस्तों, इसके थोड़ा सा मैं जड़ के फायदा बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको पूरे खजूर के फायदे बताऊंगा। अगर खजूर के जड़ को जला करके अगर इसके भस्म यानी कि इसके जो राख होता है इसे मंजन करते हैं तो दांतों के दर्द दूर हो जाते हैं। अगर इसका पौधा मिलता है तो प्रयोग करके देखना, बहुत अच्छा इसका फास्ट रिजल्ट मिलेंगे और सबसे अच्छे दांत दर्द को दूर करने का आयुर्वेदिक दवा है। इसके बाद खजूर के फलों को बादाम, पिस्ता, शक्कर आदि के साथ मिला करके खाते हैं तो सारी कमजोरी दूर होती है। खांसी में खजूर के सेवन से भी फायदा मिलता है। जी हाँ, आप खजूर के फायदे खांसी की बीमारी में भी ले सकते हैं। खजूर और घी और अंगूर को पीस करके आपको घी में है ना, खजूर और अंगूर को पीस करके घी में पकाना है और इसमें पीपली, शर्करा और मधुरस मिला करके और एक चम्मच की मात्रा में सेवन करना होता है, खांसी में ठीक हो जाते हैं, खांसी की बीमारी को ठीक करते हैं। हिचकी में 2 से 4 ग्राम खजूर के बीज का मज्जा और 500 मिलीग्राम के आसपास में पीपली का चूर्ण लेना होता है, मधुरस में मिला करके सेवन करना होता है। हिचकी के सबसे रामबाण दवा उल्टी रोकने के लिए भी अगर खजूर का प्रयोग किया जाए, 2 से 4 ग्राम जो खजूर के फल का मज्जा होता है इसे मधुरस और मिश्री और पीपली का चूर्ण मिला करके सेवन किया जाए तो उल्टी भी रुक जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ये पेशाब की जलन को भी दूर करने का काम करता है। जी हाँ, पेशाब की जलन को क्यों दूर करता है वो भी बताता हूँ। इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, खजूर चाहिए और गंभारी चाहिए, तंदुक्स्थी चाहिए और गुड़ुची चाहिए। इस सबके बने में आपको काढ़ा बनानी है, ठीक है, और इस काढ़े को सेवन करना होता है। ये लीवर को बिल्कुल ही दोस्तों पूरी तरह से स्वस्थ कर देते हैं। मैं आपको वीडियो को पहले भी बोला हूँ कि लीवर को स्वस्थ करता है। पेशाब में खून आ रहा है तो पेशाब के खून आना रोकते हैं, लेकिन इसका आपको काढ़ा बना करके पीना है। नाक, कान आदि में अगर खून आते हैं तो खजूर के फल में मधुरस मिलाकर के सेवन करने से नाक या कान से खून निकल रहे हैं तो खून निकलना बंद हो जाते हैं। और जो खजूर होता है ये दोस्तों सांसों की बीमारी को भी दूर करने का काम करता है। जी हाँ, अगर खजूर और अंगूर को पीस करके घी में पका करके पीपली, शर्करा और मधुरस मिला करके मात्रा पूर्वक अगर सेवन किया जाए, निश्चित मात्रा लेकर के सेवन किया जाए तो सांसों की बदबू है या सांस फूलने की बीमारी है उसे धीरे धीरे दूर करता है। मलेरिया में भी दोस्तों खजूर के बीज और अपामार्ग की जड़ के पेस्ट 1 से 2 ग्राम को समान मात्रा में लेकर के इसमें जो पान होते हैं इसमें छोटा सा डाल करके सेवन किया जाए तो बिल्कुल ही दोस्तों मलेरिया की बीमारी ठीक हो जाते हैं। और खजूर का प्रयोग आपको चिकित्सा के अनुसार करना है। जी हाँ, चिकित्सा के अनुसार परामर्श लेकर ही करना है। अगर प्रतिदिन आप खजूर खाते हैं तो यह लीवर को स्ट्रांग रखता है, पाचन शक्ति को मजबूत बनाए रखता है और 100 सालों तक बुढ़ापा नहीं आने देते, चेहरे पे चमक लाने का काम करते हैं। और हाँ, आंतों की सारी बीमारी को दूर करते हैं। आंतों में किसी भी प्रकार की बीमारी है उसे यह धीरे धीरे ठीक करता है। प्रतिदिन खजूर खाइए और अपने सेहत को स्वस्थ रखें। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।